हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो सुबह की शुरुआत और वीडियो की शुरुआत पानी पीने के साथ तो मैंने पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है तो आपको जैसे पता ही है सुबह उठ के मैं पानी पीती हूँ ब्रश करने से पहले जब मैं उठती हूँ सीधा पहले रसोई में आके पानी पीती हूँ तो अगर आप भी पानी पीते हैं सुबह उठ के तो अच्छी बात है अगर नहीं पीते तो पीना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि रात भर में जो भी पानी की कमी हुई होती है जैसे हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी अगर हो जाती है तो जब सुबह उठ के हम दो तीन गिलास पानी पी लेते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है और सुबह जब हम पानी पीते हैं अगर कुकड़ू बैठ के पिए तो इससे हमारा जो पाचन तंत्र है है वो भी 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 ठीक होता है और पेट भी, आते भी हमारी अच्छे से साफ होती हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ क्योंकि मैं आ गई छत पे और करूंगी पोग तो जीवन का सबसे बड़ा सुख ही निरोगी काया, निरोगी काया हमें कैसे मिलेगी एक्सरसाइज योगा और प्राणायाम करके तो हमें सुबह अपने ऊपर थोड़ा सा समय जरूर लगाना चाहिए क्योंकि जब हम अपने ऊपर थोड़ा समय लगा के थोड़ी सी एक्सरसाइज योगा या प्राणायाम करते हैं तो इससे हमें पूरा दिन इतनी एनर्जी मिलती है कि हम हजार काम की जगह दो हजार काम करते हैं तो योगा एक्सरसाइज करना किसी को भी पसंद नहीं है क्योंकि जब हम योगा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर में से इतना पसीना निकलता है और इतनी थकावट भी हो जाती है पर लेकिन जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो इतनी एनर्जी मिलती है और इतना शरीर हल्का हो जाता है कि दूसरे दिन फिर करने का मन करता है तो जब हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी जो बाहर की बॉडी की एक्सरसाइज होती है और जब हम योगा करते हैं तो हमारी इंटरनल एक्सरसाइज होती है यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है तो इसीलिए जो हमारा शरीर है एकदम सही रहता है तो बस थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करके वॉक करके मैं आ गई हूँ नीचे और अब लगा रही हूँ झाड़ू तो झाड़ू भी मैं किसी टाइम बैठ के भी लगा लेती हूँ तो पहले के समय में क्या होता था कि लेडीज जो है नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाती थी और कपड़े भी हाथ से धुलते थे तो उतनी हेल्दी रहती थी वो फिट रहती थी लेकिन अब जैसे जैसे चीजों की सुविधा हो गई है तो शरीरों में रोग भी उतने ही हो गए हैं और अब कपड़े भी हाथ से धोने की बजाय मशीन में धुलते हैं पर काम फिर भी उतने ही लेट होते हैं नहीं तो पहले हाथों से काम होता था तो सुबह जल्दी भी काम हो जाते थे लेकिन अब जितनी चीजों की सुविधा है उतने ही काम भी हमारे लेट हो जाते हैं तो बस ब्रश करके और नहा के मैं आ गई हूँ अब अंदर और अब करूंगी थोड़ा सा मेकअप तो आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह मेकअप तो मैं कोई मेकअप इतना करती ही नहीं हूँ मैं खाली थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं क्रीम भी नहीं लगाती अपने फेस पे तो थोड़ा सा तेल लगाती हूँ वो भी जॉनसन बेबी ऑयल और उसके बाद मैं लगाती हूँ एक लिपस्टिक और सिंदूर बस यही मेरा मेकअप होता है और जब कहीं बाहर जाना होता है तब तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ वैसे घर में मैं इतना तो पूजा पाठ भी हमें अच्छे से तैयार होके करनी चाहिए ये नहीं है कि हम नहा तो गए हैं पर लेकिन हमारे बाल बाल बिखरे हुए हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता गोपाल जी के सामने भी हमें अच्छे से तैयार होके रहना चाहिए तो पूजा मैंने कर लिया है गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया है और आज है मंगलवार तो मंगलवार के दिन मैं ये हनुमान चालीसा वाली बुक पढ़ लेती हूँ और अब जैसे सावन चल रहा है तो शिव चालीसा की बुक भी मैं सावन में पूरी पढ़ती हूँ तो भगवती नाम वाला भी पढ़ ली एक अध्याय भगवत गीता का भी पढ़ लिया और अब इसको रख देते हैं अंदर और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है अंजलि के लिए टिफिन पैक करना है तो अब सीधा जाऊंगी मैं रसोई में और अब मैं तुलसी माता को जल भी चढ़ा दूंगी महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्य वर्धनी आधी व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वय नमोस्तुते तो इस मंत्र का जाप करते हुए मैं माता तुलसी को जल अर्पित कर देती हूँ और ये जो जल है गोपाल जी के स्नान वाला ही होता है जैसे कि आपको पता ही है और इसमें जो थोड़ा सा जल बच जाता है वो मैं पी लेती हूँ तो गोपाल जी का ठाकुर जी का स्नान वाला जो जल होता है चरणामृति होता है तो उसको जरूर पी लेना चाहिए तो अगर आपके घर भी लड्डू गोपाल जी हैं शालीग्राम ठाकुर जी हैं तो आप उनके चरणों का चरणावृत जरूर किए क्योंकि इससे हमारे शरीर के कई रोग सोक तो दूर होते ही हैं और हमारी भक्ति भी बढ़ती है तो अंजलि के लिए मैंने टिफिन भी पैक कर दिया है और कन्नू का भी और अब मैं आ गई सीधा अंदर तो अब मैं करूँगी योगा प्राणायाम तो यहाँ पर मैं काउंट कर रही थी कि मैं कितनी देर तक जो अपनी सांस है वो रोक सकती हूँ क्योंकि मैं नाड़ी शोधन कर रही हूँ अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में फर्क होता है तो इधर मैं नाड़ी शोधन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर तीस सेकंड तक अपनी सांस रोकी थी और वैसे भी तीस सेकंड तक तो रोक ही सकते हैं हम सांस तो पंद्रह बीस मिनट में कपालभाती करती हूँ और पंद्रह बीस मिनट ही नाड़ी शोधन करती हूँ तो ये दोनों चीजें करने के काफ़ी फायदे हैं आप कभी गूगल करके देखना और जरूरी नहीं है कि शरीर में कोई रोग हो तभी करना है अगर ना भी हो तो तब भी हमें जो एक्सरसाइज प्राणायाम करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो शरीर है एकदम स्वस्थ रहे तो योगा के आसन जो है मुझे थोड़े बहुत ही आते हैं कोई इतना खास नहीं आता पर हाँ जितना आता है उतना करने की कोशिश करती हूँ और नए नए आसन भी ट्राई करती रहती हूँ मैं तो मैं बाबा रामदेव जी को फॉलो करती हूँ तो बीच में मेरा जो योगा छूट गया था तो जब मैंने दोबारा से ये जब स्टार्ट करा योगा करना तो फिर मेरे को इतनी मुश्किल हो रही थी कोई भी आसन हो नहीं पा रहा था तो चलो कोई बात नहीं अब फिर से धीरे धीरे अपने रूटीन में आ जाऊंगी मैं और फिर पूरी कोशिश करूंगी कि अब मैं योगा जो है छोड़ू ना हाँ एक दो दिन तो चलो हो भी जाता है कहीं बाहर जाना पड़ जाता है या कभी नहीं भी हो पाता पर लेकिन ये है कि एकदम से नहीं बंद करूंगी बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कॉमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे